हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग ठीक हैं। तो आज इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ अ ह्यूज बेबी शॉपिंग हॉल। एक्चुअली सीजन चेंज होने वाला है और बच्चे इतने जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना, जो पुराने सीजन के कपड़े होते हैं वो उन्हें फिट ही नहीं होते हैं। तो अभी चल रहे हैं मानसून और उसके बाद आने वाली है विंटर्स। दीवू के लिए मैंने मंगाए हैं बहुत सारे कपड़े विंटर्स के लिए, बिकॉज अब जो उसके पुराने वाले कपड़े हैं वो उसको फिट नहीं होते हैं, बिकॉज बच्चे बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, उनकी हाइट हेल्थ सब चेंज हो जाता है और फर्स्ट क्राई पे चल रही है सेल। तो मैंने सोचा क्यों ना उसके लिए मैं अभी से ही ऑर्डर करके रख लेती हूँ जो मुझे चाहिए अपकमिंग सीजन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम ये वीडियो। बट यस, मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो हॉल वीडियो है इसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा फैंसी कपड़े उसके लिए परचेज नहीं करे हैं। मैंने उसके लिए डेली वेयर जो पजामा सेट वगैरह होते हैं वो परचेज किए हैं, नाइट सूट्स किए हैं और जो सेमी पार्टी वेयर होते हैं, लाइक हम मॉल वगैरह जाते हैं या यू नो गैदरिंग या जस्ट हम ऐसे ही घूमने फिरने के लिए जाते हैं, उस हिसाब के कपड़े परचेज किए हैं। तो अगर आपके भी बेबी गर्ल है और आप भी चाहते हैं कि आपको शॉपिंग करनी है तो आप इसको देख के एक आइडिया ले सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो जो फर्स्ट इसके लिए मैंने लिया है वो है फ्रॉम बेबी हग ब्रांड। मुझे पर्सनली ये बेबी हग ब्रांड बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसके जो कपड़े होते हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं, उसमें बहुत वैरायटी होती है, प्लस ये काफ़ी अफोर्डेबल भी होते हैं। तो अगर बच्चे जो डेली वेयर में या पहनते हैं वो आप आराम से इस ब्रांड से ले सकते हो। क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल भी है। तो ये इस तरह की पैकेजिंग में आते हैं सारे। तो मैं ये जो कवर्स होते हैं, जो फैंसी कपड़े होते हैं वो आप इसमें वापस रख सकते हो, तो वो भी एक अच्छा बेनिफिट है। तो ये जो फर्स्ट सेट है ये कुछ इस तरह का, इस पे ये इस तरह की ये एम्ब्रॉयडरी करी हुई है जो कि काफी प्यारी लग रही है, और इसके साथ ये इस तरह का ब्लू कलर का बॉटम है। तो ये जो सारे ही मैंने कपड़े मंगाए हैं ये साइज 2-3 इयर्स के बीच के मंगाए हैं जो कि इसको एकदम परफेक्टली फिट होते हैं। आई थिंक ये जो सीजन है विंटर सीजन तक इसको एकदम परफेक्टली फिट आ जाएगा। तो नाउ ये है हमारा सेकंड प्रोडक्ट, ये भी ब्रांड बेबी हक से ही है। मतलब दीवू के मोस्टली कपड़े मैंने जब से ये हुई है हमेशा से बेबी हक से ही लिए हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह का कुछ टॉप है, इस पे यहाँ पे छोटे छोटे से पॉकेट बने हुए हैं किटी के, काफी क्यूट लग रहा है ये। और इसके साथ में ये इस तरह की पैंट्स है और जिसमें यहाँ नीचे की तरफ बो बने हुए हैं। तो ओवरऑल साथ में ये जो सेट है ये काफी अच्छा लगता है, प्रिटी लगता है। नाउ जो थर्ड सेट है वो है इस तरह का, ये भी बेबी हक से ही है। इस पे इस तरह का ये यूनिकॉर्न प्रिंट है, और इस पे जो नीचे का बॉटम है वो इस तरह का है, और यहाँ नीचे से ये, तो ये भी ओवरऑल काफी अच्छा लगता है साथ में पहना हुआ। ये भी मुझे काफी अच्छा लगा, ये बच्चे चाहे तो सारा दिन घर पे पहन सकते हैं या नीचे अपार बिल्डिंग में और मैं घूमने फिरने जाते हैं तब पहन सकते हैं, काफी अच्छा लगता है इस टाइप का भी। नाउ जो नेक्स्ट सेट है वो है ये पिंक कलर का, ये हाफ स्लीव्स के अंदर लिया है मैंने क्योंकि मुझे काफी अच्छा लगा था इसका ये जो प्रिंट बने हुए हैं, इसमें यहाँ पे सिक्वेंस वर्क किया हुआ है और नीचे यहाँ पे ये फ्रिल दी हुई है, ये भी काफी अच्छा है। और इसके साथ जो बॉटम है वो इस तरह का है, पोल्का डॉट पिंक कलर का, तो ओवरऑल साथ में ये काफी अच्छा लगता है। ये बच्चे कहीं बार बार जाते हैं घूमने के लिए और उसके अंदर काफी अच्छा लगेगा पहना हुआ। तो यस, नाउ जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये ब्लू कलर का है, इस तरह का, इसमें यहाँ पे ये टेसल वर्क किया हुआ है और इसके साथ जो बॉटम है वो इस तरह का है, ये येलो कलर का बॉटम है विद दीज लाइंस, ये भी एक साथ काफी अच्छा लगता है, काफी कूल लगता है कॉम्बिनेशन जो है पहना हुआ और अच्छा भी लग रहा था। ये वाले जो कपड़े हैं, ये वाला और जो इससे पहले मैंने जो पिंक वाला सेट दिखाया था वो ऑलरेडी दीवू दो बार पहन चुकी है, तो मैंने इसको वॉश भी किया हुआ है, इसका बिल्कुल कलर नहीं निकला है, काफी अच्छी क्वालिटी में है ये। तो यस, ये मुझे काफी अच्छा लगा सेट। नाउ अब जो नेक्स्ट सेट है वो है ये, तो ये इस तरह का क्यूट सी बनी इसके ऊपर बना हुआ है, अगेन फुल स्लीव्स है और इसके साथ ये इस तरह का बॉटम है,
नीचे से इस तरह से कवर्ड है। नेक्स्ट है वो है इस तरह का ये टी शर्ट, ये हाफ स्लीव टी शर्ट है तरह से है, और नीचे छोटा छोटा सा फ्रिल है, और इसका जो बॉटम है वो ये इस तरह का है कंप्लीट। तो दिस इज द होल सेट। ये बेसिकली नाइट सूट है, बट इसमें बच्चों को आप आई थिंक घर पे पहना सकते हो, काफी अच्छा लगेगा इस टाइप का। और बच्चे पजामा टी शर्ट में मुझे लगता है सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, तो इट्स अ नाइस सेट। नाउ ये जो नेक्स्ट है ये भी है एक नाइट सूट, तो ये इस तरह का इसका टॉप है, इस तरह का ये कॉलर दिया हुआ है एंड इट्स अ फुल स्लीव्स, और इसका जो बॉटम है वो भी मैचिंग मैचिंग। इस तरह के जो नाइट सूट होते हैं जो एकदम लाइट लाइट ओवर प्रिंट्स होते हैं बहुत प्यारे लगते हैं बच्चे जब इन्हें पहनते हैं। ये ऑलरेडी दीमू ने पहन रखा है, इसको मैंने वॉश भी कर रखा है, तो इसका साइज वगैरह कलर कुछ भी खराब नहीं हुआ है, एकदम परफेक्ट है। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो भी है एक नाइट सूट, तो इस तरह का कुछ वो है, पिंक कलर का है, छोटे छोटे स्टार्स बने हुए हैं, और इसका पैटर्न है ये थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वाले नाइट सूट से। तो इसका इस तरह से कॉलर टाइप है, ये हाफ स्लीव्स है, और इसका जो बॉटम है वो इस तरह का कुछ है। तो ये भी ओवरऑल साथ में काफी अच्छा लगता है, बच्चे पहने में बहुत क्यूट लगते हैं इस तरह के नाइट सूट, मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है कि इस तरह के जो नाइट सूट होते हैं वो बच्चों पे काफी खिलते हैं। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है एक स्वेट शर्ट, तो ये इस तरह का कुछ है, यहाँ पे इस तरह से बटन दिए हुए हैं ताकि साइज का कोई इशू ना रहे। इसका जो फैब्रिक है वो भी काफी अच्छा है, और ये बेबी ऑय ब्रांड से, बाकी आपको मैंने जितने भी प्रोडक्ट दिखाए वो सारे बेबी हक के हैं, बट दिस इज फ्रॉम बेबी ऑय, काफी अच्छा क्वालिटी है इसका। सो नाउ मूविंग टू अवर लास्ट प्रोडक्ट, ये है एक स्वेट शर्ट, ये भी अगेन बेबी हक का है, इसका जो कलर है वो काफी प्रिटी है, और इसका जो कॉम्बिनेशन है बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे स्लीव्स पे इस तरह की डिटेलिंग दी गई है फ्रिल की, अगेन जो कपड़ा है काफी सॉफ्ट है, काफी अच्छा सा कपड़ा है, बच्चों को काफी पसंद आता है इस तरह का, कंफर्टेबल रहते हैं। अगर आपके भी बेबी गर्ल है तो आप भी इनमें से रेफरेंस ले सकते हैं अगर आपको कुछ पसंद आया हो तो। अभी रिसेंटली चल रही है फर्स्ट क्राई पे एक मोमोन सेल, तो आप जरूर से चेकआउट कीजिए, अगर आपको कुछ भी पसंद आता है तो आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको सारा हॉल दिखाया है इनके सारे प्रोडक्ट के जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जरूर से चेकआउट कीजिए। ऑल्सो दीज आर माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम IDs, तो आप चाहें तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे भी मैं काफ़ी एक्टिवली पोस्ट करती रहती हूँ। सो येस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो और हेल्पफुल रहा हो आपके लिए। इफ येस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।